हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सुबह कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे एंड काफ़ी बढ़िया होंगे। सुबह देखिए मैं आज कैसे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ छत पे से, जहाँ से मैं आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ का पूरा, मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का पूरा दिखाए हैं। वो देखिए वहीं से इसी छत पर से वो वीडियो दिखाए, मतलब वो वीडियो दिखाए थे जूमिंग कर करके। मेरा तो ड्रोन नहीं है, नहीं तो आप लोग को अच्छा से दिखाते। तो और जो जिस वीडियो की बात करें ना, वो वीडियो डाल दिए हैं, तो प्लीज़ जाकर देखिए। हमारा मतलब वीडियो पर अभी तक एक भी व्यू नहीं गया है, तो प्लीज़ जाकर सपोर्ट कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। आ रहा है ट्रेन, आ रहा है, तो उसी का आवाज़ सुना रहा था आप लोगों को। भाई देखिए कितना बड़ा वो है ट्रेन, अभी तक जा रहा है। देखिए बैग में अभी तक मतलब पूरा पार नहीं हुआ है, लगभग 2 मिनट हो गया अभी तक पार नहीं हुआ है। कहते हैं कब तक पार होता है। मतलब ये है वो कोयला वाला गाड़ी है ना, इसलिए उसे थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। आप लोग शायद पता होगा, शायद कि आप लोग को पता ही होगा ये ट्रेन थोड़ा बड़ा होता है। वो नहीं ना है जिसमें हम लोग आते हैं, वो नहीं है, ये मालगाड़ी जिसको बोलते हैं। देखिए उसमें कोयला जा रहा है। अरे यार मेरा फोन ऐसे नहीं, आप लोग दिखा देते। और देखिए मेरा भतीजा है कैसे शरारती कर रहा है, और देखिए कैसे हुआ है। ये कपड़ा नहीं पहना है, अरे कपड़ा जा रहा पहनो, क्यों नहीं कपड़ा पहन रहे हो? हाँ नहाने जा रहे हो? तो गाइस देखिए ट्रेन पार हो चुका है, मतलब वो सिग्नल गिरा था ना, इसी कारण देखिए कि यहाँ पे कितना जाम लग गया है, ट्रैफिक जाम। और गाइस ये बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग पहले वीडियो में बोले हैं और इस वीडियो में भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा ये जगह है, लेकिन क्या करें हम अकेले यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं ना। आप लोग पूरा घूमेंगे, घुमाते और दिखाते कि ये कैसा जगह है। मतलब हमें तो अच्छा लग रहा है, बट आप लोग पता नहीं अच्छा लगता कि नहीं, दिखाते तब ना। मैं अकेला हूँ इसीलिए कहीं नहीं जा रहा हूँ, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जो दिख रहा है वहाँ से आप लोग दिखा ही रहे हैं। ये हम जा रहे हैं आम की लकड़ी लाने के लिए, पता है वो छठ होता है चैती छठ, उसमें लगता है, इसलिए हम लोग हम और रही बैठ रहे हैं। सुबह देखिए आम के लकड़ी लेने के लिए हम कहाँ आए हैं, मतलब बहुत दूर, लगभग घर से 4-5 मीटर दूर। हम मतलब बिहार में होते हैं ना, हम बिहार में हमारा घर है, तो वहाँ तो बगल में ही है, घर के बगल में ही आम चाहे जो मर्जी वो मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा। देखिए हम आम के लकड़ी ले जाने के लिए कहाँ पर आए हैं, इतना खोजने के बाद हमें एक आम का पेड़ मिल गया फाइनली। देखिए ये पड़ा तो चढ़ के तोड़ेंगे, आम तो कहीं वही रहने के वो तो फाइनली चढ़ गए हैं आम के पेड़ पर, अब इससे पे तोड़ेंगे। ले लिए हैं आम के लकड़ी, अब जा रहे हैं घर, बाइक ला रहे हैं। रोहित भैया थक गया हूँ ऐसे, देखिए कैसे बोल रहा हूँ। फाइनली आम का पौधा लेकर आ गए हैं, पौधा नहीं ये डाली घर पे।